पहाड़ों के पौष्टिक मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में अनेक पौष्टिक मोटे अनाज से आधिकारिक उत्पादन के लिए सरकार काश्तकारों को उन्नत किस्म के बीज और उपकरण भी मुहैया करवा रही है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जनपद में पौष्टिक अनाज कार्यक्रम के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अकेले रुद्रप्रयाग जिले में मंडवे का उत्पाद 5,800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने बीते वर्ष मंडवे का 39 रुपये समर्थन मूल्य जारी कर महिला समूहों और काश्तकारों से 2439 क्विंटल मंडवे की खरीद कर किसानों को 93 लाख के करीब फायदा हुआ। मंडवा झंगोरा और चौलाई पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो रही है। 20 ग्राम सभाओं की सभी महिलाएं मेरे साथ इनका संगठन बना हुआ है और संगठन के माध्यम से हमें पिछले सन 2023 और 24 में इस मिलेट मिशन के तहत हमने 282 क्विंटल मंडवा मेरी समूह की महिलाओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हमें समूह में जाकर घर घर जाकर जो कि हमारी महिलाओं को पहले जैसे बाज़ार के भाव से मिलता था, अब हमारे फेडरेशन के माध्यम से डायरेक्ट उनके घरों में जा कर के हम उनसे चौलाई हो, दालें हो, झंगोरा हो, मंडवा हो, कहीं प्रकार की चीज़ें उनसे ले रहे हैं, जो कि बीच का बायर न होने के कारण हम डायरेक्ट उनके खातों में पैसे दे रहे हैं। जबकि पिछले साल पहले तो लोग मंडवा और झंगोरा का कोई वही नहीं करते किया नहीं करते थे कि यह क्या यह क्या चीज़ है। मोटे अनाज अभी इसको नया कॉन्सेप्ट हमने दिया है, अभी इसको पौष्टिक अनाज में हम लोग लेते हैं और पौष्टिक अनाज के अंदर हम लोग मंडवा और झंगोरा इसकी खेती पे जोर देते हैं। अभी हमारा जो मंडवे के अंतर्गत क्षेत्रफल है 5,800 हेक्टेयर के करीब है। अभी गत वर्ष हमने जो है 2439 क्विंटल 2439 क्विंटल ये हमने कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से यहाँ से एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट करवाया है, जिसमें जनपद के किसानों को 93 लाख जो हमारा MSP था उसके अनुसार डायरेक्ट DBT हुआ है, इसके ऊपर जो है 3 लाख उनको बोनस भी दिया गया स्थानीय फसल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 लाख इनको बोनस भी दिया गया। तो इस प्रकार से राउंड अबाउट 1 करोड़ के आसपास जो है किसानों को फायदा हुआ है और DBT के थ्रू ये हुआ है। जनपद भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी दुर्गाधार में स्थानीय कृषकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ खेतों में जाकर तैयार हो रही फसलों का भी निरीक्षण किया, साथ ही किसानों से उनका फीडबैक भी लिया। कृषि मंत्री ने दुर्गाधार गांव में मिलेट मिशन के तहत किसानों द्वारा तैयार की जा रही मंडुआ, सोयाबीन, फ्रॉज बीन, तोर की दाल, रामदाना, चौलाई आदि फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, कृषकों को सब्सिडी पर बीज उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए किसानों द्वारा तैयार की जा रही फसलों का उन्हें सही मूल्य उपलब्ध हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और क्या कुछ कहा गणेश जोशी ने, आप भी सुनिए। हमारे जो हमारी समूह की बहनें हैं जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है, वो किसान से उसके घर में आकर खेत में आकर मड़ुआ खरीद रही हैं, MSP पर खरीद रही हैं उसकी। उसके लिए हम उन्हें 3 रुपये किलो इंसेंटिव दे रहे हैं, उसके 2 फायदे हो रहे हैं। जहाँ किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल रहा है, वहीं जो मोदी सरकार का संकल्प है कि देश में हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, उस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। और अभी मैंने यहाँ पर खुद आकर खेत में आकर यहाँ किसानों की बातें सुनी है और हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसान हमारा अन्नदाता है, इनकी बेहतरी के लिए जितना होगा
हमारी सरकार करेगी। वहीं राज्य भर में 5 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हैं, जो किसानों से उनके घर में जाकर उनके उत्पाद को खरीद रहे हैं। इससे जहां एक और किसानों के सामने विपणन की समस्या समाप्त हो गई है, तो वहीं किसानों को उनके द्वारा तैयार फसलों का सही दाम भी मिल रहा है और उनकी आय भी बढ़ रही है।